الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبادي الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل سجد احترام شیخ محترم پیر طریقت حضرت اقدس پیر ناصر الدین خان خاتمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ امیر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان مخدوم ابن مخدوم محترم جناب صاحبزادہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتم العالیہ نائب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمت اللہ علی کے صاحبزادے و جانشین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب جالندری دامت برکاتہم العالیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے عالمی مبلغ جان اور روح شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تمام ذمہ داران منتظمین علماء کرام مشائخ عظام اور جانساران ختم نبوت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے تو میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا کیا آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے آپ تو جانتے ہیں سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے اور جواب پہ اتنی آواز سے تو دو کہ میرے تک جواب ہر ایک کا پہنچے میرا سلام تو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے پہنچ گیا سٹیج میرے دائیں بائیں پیچھے سامنے بیٹھنے والا مجمع اتنی بلند آواز سے جواب دے کہ آپ اس واجب کو ادا کریں اس کا ثواب ملے دنیا کا پیغام جائے کہ ہم امن و سلامتی کے علم بردار ہیں دہشت گرد تم ہو ہمارا تو سلام ملاقات کی ابتدائی امن و سلامتی کی دعاؤں سے ہوتی ہے بہت سارے میں سلام دوبارہ کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے
कि तूने ज्यादा ऊंची आवाज से तकरीर नहीं करनी, इसलिए कि 3 माह पहले मुझे दिल का आर्जा हुआ और ऑपरेशन हुआ, 1 सेंट डाला गया, चंद दिन पहले दूसरा डाला गया। मुझे कई हजरात ने, दोस्तों ने, मुखलिसीन ने कहा कि आप आज के इस जलसे में तकरीर न करें, सिर्फ आप शरीक हो जाएं और इस सआदत में इतना ही काफ़ी है कि आप इस जलसे में होकर आ जाएं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्मे नबुव्वत पर तकरीर करते हुए जान चली जाए तो इससे बड़ी सआदत क्या होगी। जाना तो है ही, मरना तो है ही, अगर हुजूर के खाते में जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। हम सफा मरवा में सही कर रहे थे, मेरे उस्ताद शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, वो बूढ़े और ज़ईफ हो चुके थे, उनको एक तरफ बाजू से मैंने पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ से मेरे उस्ताद शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने थामा हुआ था और हम हजरत को सफा मरवा के दरमियान सही करवा रहे थे। और हर चक्कर के पूरा होने पर कभी सफा पहाड़ी पे, कभी मरवा पहाड़ी पे, जब चक्कर पूरा होता सफा पर तो वहाँ, मरवा पर जब होते तो वहाँ हम हजरत को बिठाते, टांगे दबाते और फिर अगले चक्कर के लिए हजरत को साथ लेकर चलते। तो मैंने कहा हजरत अगर आप इजाज़त दें तो मैं व्हील चेयर लेकर आता हूँ ताकि आपको मशक्क़त ना हो, आप व्हील चेयर पर बैठकर सफा मरवा के दरमियान सही कर लें, आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। तो फरमाने लगे कि अगर मैं पैदल चलूंगा तो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मुझे मौत आ जाएगी। फरमाया इससे अच्छी मौत क्या होगी कि अल्लाह के घर का तवाफ करते हुए, सफा मरवा की सही करते हुए, उम्रा करते हुए मेरी मौत आ जाए, इससे ज्यादा अच्छी मौत क्या होगी। और फिर फरमाया हनीफ हुजूर अलैहिस्सलाम से खाना काबा का तवाफ करना तो सवारी पर साबित है कि हुजूर ने सवारी पर सवार होकर बैतुल्लाह का तवाफ किया, मगर सफा मरवा के दरमियान सवारी पर सवार होकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही करना साबित नहीं है। और कहा मैंने तवाफ तो ऐसे कर लिया, अब मैं सफा मरवा की सही व्हील चेयर पर क्यों करूं, मेरे नबी ने कभी सवारी पर सफा मरवा की सही नहीं की। और तवाफ तो नाम है बैतुल्लाह के इर्द गिर्द चक्कर लगा देने का, खाब आप किसी के कंधों पर लगा लें, व्हील चेयर पर लगा लें, सवारी पर लगा लें, तवाफ हो जाता है, क्योंकि तवाफ नाम यह है कि खाना काबा के इर्द गिर्द 7 मरतबा चक्कर लगा लो, मगर सही तो पाओ के ऊपर चलने का नाम है, मस्जिद बिल अकदाम का नाम है। इसलिए मैं आप तवाफ तो ऐसे कर लिया, अब मैं सफा मरवा की सही वैसे करूं जैसे मेरे नबी ने नहीं की तो मैं मर तो सकता हूं मगर हुजूर की सुन्नत के खिलाफ मैं सही नहीं करूंगा। ये थे हमारे अकाबिर। एक पूछा गया हजरत आप मक्के आकर सिर्फ उमरा करते हैं, थोड़ा रहते हैं, ज्यादा मदीना तैयबा में रहते हैं, रमादान में जाया करते थे, रमादान का महीना मदीना पाक में गुजारते थे, जुमेरात को, हर जुमेरात को मक्का जाते थे उमरा करने, उमरा करके वापस जुमा पढ़कर या रात को तरावी पढ़कर मदीने आ जाते थे, मक्कतुल मुकर्रमा में 2 दिन रहते, हर बारी में या 1 दिन रहते, ज्यादा वक्त मदीना मुनव्वरा में रहते। पूछा जा हजरत आप मदीने में क्यों ज्यादा रहते गए, मक्के में क्यों ज्यादा नहीं रहते, तो क्या प्यारा जवाब दिया, फरमाया मक्के में जिस जात का घर है वो मुल्तान में भी मिल जाती है और मदीने में जिसका घर है वो मदीने में ही मिलता है, वो मदीने में ही मौजूद है, वो वहां नहीं है। इसलिए चाहता हूं जितना ज्यादा वक्त मिले हुजूर के कदमों में गुजार दो। तो बात यहां से चली थी शय यूज करो भी शय, अगर खत्मे नबुव्वत के उन्वान पर गुफ्तगू करते हुए मौत आ जाए
इससे ज्यादा खुश नसीबी क्या होगी, इससे बड़ी सआदत क्या होगी। ये आज का अजीम शान इज्तिमा इस बात का पैगाम है, और ये पैगाम तमाम उन ताकतों और कुव्वतों के लिए है जो अब तक पाकिस्तान के अंदर खत्म नबुव्वत के मसले पर वक्तन फवक्तन डाका डालने की कोशिश करते हैं, चोरी करने की कोशिश करते हैं, और असेंबली के मुत्तफिका फैसले को तरमीम करने की या उसको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। आज ये लाखों का इज्तिमा और ये आशिकाने खत्म नबुव्वत का इज्तिमा, ये खत्म नबुव्वत के परवानों का इज्तिमा इस्लामाबाद को भी और दुनिया के तमाम मुल्कों को ये पैगाम दे रहा है कि खत्म नबुव्वत के चौकीदार जिंदा है, खत्म नबुव्वत के पहरेदार जिंदा है, खत्म नबुव्वत पर पहरा देने वाले सोए हुए नहीं है, वो जागे हुए है। मैंने आज आते हुए ऐसे बूढ़ों को भी देखा जो चल नहीं सकते थे, सहारों पर आ रहे थे। ये मजमा पैगाम दे रहा है इस्लामाबाद को, ये मजमा पैगाम दे रहा है आलमी ताकतों को, ये मजमा पैगाम दे रहा है मुनकरीन खत्म नबुव्वत को कि हम तुम्हें खत्म नबुव्वत पर डाका नहीं डालने देंगे, हम खत्म नबुव्वत पे चोरी तुम्हें नहीं करने देंगे। जब चौकीदार जाग रहा होता है, पहरेदार जाग रहा होता है, चोर चोरी नहीं कर सकता, डाकू डाका नहीं डाल सकता। आज ये मजमा पैगाम दे रहा है हम चोरों और डाकुओं का ताकुब करना जानते हैं। जब तक एक मुसलमान भी जिंदा है वो खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज करेगा इंशाअल्लाह। हाथ बुलंद करके कहो हम खत्म नबुव्वत के चौकीदार हैं, हम खत्म नबुव्वत के पहरेदार हैं। हुर्मते रसूल पर, हुर्मते रसूल पर। मेरे दोस्तों, हमने कभी नहीं कहा कि हम दीन के ठेकेदार हैं, इस्लाम के ठेकेदार हैं। हमने ये कहा है हम इस्लाम के चौकीदार हैं, हम इस्लाम के पहरेदार हैं। विफाकुल मदारिस बल्कि इत्तेहादे तंजीमात मदारिस की एक मीटिंग परवेज मुशर्रफ के साथ हो रही थी, वो वर्दी में था, मुल्क का मुतलकुल अनान हुक्मरान था, डिक्टेटर था, और उसने हमें कहा कि पाकिस्तान के मफाद का ये तकाजा है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम का ये तकाजा है। ऐसी बातें पाकिस्तान के मफाद के नाम पर कर रहा था जो मदारिस के खिलाफ थी, जो इस्लाम के खिलाफ थी। तो मेरे कायद हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह ने, मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा, परवेज मुशर्रफ के सामने जो जिस टेबल के ऊपर उसकी कुर्सी थी, साथ हजरत बैठे हुए थे, हजरत ने उसके आगे टेबल पर मुक्का मारकर हाथ मारकर कहा, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के ठेकेदार मत बनो, हम तुमसे ज्यादा पाकिस्तान के वफादार हैं, हम इस्लाम के भी चौकीदार हैं और पाकिस्तान के भी चौकीदार हैं। सर्वकफ सर्वबुलंद, जुर्रतमंद गैरतमंद सदर विफाक मौलाना सलीमुल्लाह खान। कोई पाकिस्तान के मफाद के नाम पर हमें धोखा नहीं दे सकता। हम उन अकाबिर की औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, हम उनकी औलाद है जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया, हम उनकी औलाद है जिन्होंने करारदाद मकासिद को मुरत्तब किया, हम उनकी रूहानी औलाद है, मानवी औलाद है जिन्होंने कौमी असेंबली में खत्म नबुव्वत का मुकदमा लड़ा, हम उनकी औलाद है जिन्होंने पूरे मुल्क में खत्म नबुव्वत की तहरीक चलाई है। हम समझते हैं कि खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज़ पाकिस्तान का तहफ्फुज़ है, खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज़ पाकिस्तान के मफाद का तहफ्फुज़ है, खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज़ पाकिस्तान के जुग्राफिये का तहफ्फुज़ है, खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज़ पाकिस्तान के नजरिए का तहफ्फुज़ है, और याद रखो खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज़ पाकिस्तान की असेंबली ने नहीं किया, खत्म नबुव्वत के अकीदे ने असेंबली का तहफ्फुज़ किया है। कोई ये ना कहे कि कौमी असेंबली ने खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज़ किया,
ختم نبوت نے پاکستان کا تحفظ کیا ہے، ختم نبوت کے تحفظ نے پاکستان کی اسمبلی کا تحفظ کیا ہے، پارلیمنٹ کا تحفظ کیا ہے، اور یہی عقیدہ پاکستان کا محافظ ہے۔ جو ختم نبوت کے خلاف بات کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، نظریے کا بھی دشمن ہے اور جغرافیے کا بھی دشمن ہے۔ پاکستان کی اسمبلی کے ماتھے پر، پاکستان کی پارلیمنٹ کے پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور ہم اسی اسمبلی کے پیشانی پر لکھے ہوئے کلمے کے محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے محافظ و چوکیدار ہے، اسی کے ہم پہرے دار ہیں۔ اس لیے پاکستان تب بچے گا جب ختم نبوت کا مکمل تحفظ ہوگا۔ اگر پاکستان میں ختم نبوت کے بارے فیصلے کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ میں آپ کو کانفرنس کی کامیابی کی مبارک کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آپ کی یہ کانفرنس اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اس کی نشانی اور علامت کیا ہے کہ اللہ نے ربیع الاول کا چاند آنے والے کل کو نہیں آج شام ہی دکھا دیا ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ جو جو سبحان اللہ کہے اس کو مدینہ دکھا، جو جو سبحان اللہ کہے گنبد خضرا دکھا، جو جو سبحان اللہ کہے اس کو مکہ دکھا، جو جو سبحان اللہ کہے حضور کی شفاعت نصیب فرما، جو جو سبحان اللہ کہے جنت میں حضور کی رفاقت نصیب فرما، جو سبحان اللہ کہے حوض کوثر پر حضور کے مبارک ہاتھوں پانی کا پیالہ نصیب فرما۔ کئی ڈیریاں کہتی تھیں کل 30 ربیع سفر ہوگی، یکم ربیع الاول ہفتے کے دن ہوگی۔ یہ اس کانفرنس کی اللہ کے ہاں قبولیت ہے۔ تم نے مغرب کے وقت کانفرنس شروع کی، اللہ نے ربیع الاول کا چاند دکھا دیا۔ اور کون آیا ربیع الاول میں؟ کہنے والے نے کیا کہا، ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب یہ سب بنا صلی علی محمد۔ کون آیا ربیع الاول میں؟ کون سی ہستی آئی؟ میں آپ سے ایک جملہ کہلوانا چاہتا ہوں، اور اس جملے کے اس بات پر ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پورے مجمع میرے ساتھ کہے گا سب سے اعلیٰ، کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ میں دعا کرتا ہوں جو جو کہے محبت و اخلاص کے ساتھ اللہ اس کو جنتی بنا دے، اللہ اس کو حضور علیہ السلام کی جنت میں رفاقت نصیب فرما دے۔ کون ہستی آئی ہے ماہ ربیع الاول میں؟ ذرا میرے ساتھ مل کر کہیے، جناب نبی کریم حضور علیہ السلام آئے ہیں، اور حضور کون ہے؟ ہمارے پیغمبر کا مقام کیا ہے؟ سارا مجمع کہے حضور علیہ السلام کی صورت سب سے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، پوری دنیا کو بتا دو کس طرح تم حضور کے دیوانے ہو۔ حضور علیہ السلام کی صورت، حضور علیہ السلام کی سیرت، حضور علیہ السلام کا حسن و جمال، حضور علیہ السلام کے اخلاق، حضور علیہ السلام کے چہرہ انور، حضور علیہ السلام کے سر مبارک، حضور کے سر مبارک کے بال، وفرا لما جمع بال، حضور کی آنکھیں، حضور علیہ السلام کے ابرو، حضور علیہ السلام کی پلکیں، حضور علیہ السلام کے رخسار، حضور علیہ السلام کے زبان مبارک، حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارک، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور، حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک، حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک، حضور کی کمر پر مہر نبوت، حضور علیہ السلام کا چلنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا سونا، حضور کا جاگنا، حضور علیہ السلام کا بولنا، حضور کا چپ رہنا، حضور علیہ السلام کی مکے کی زندگی، مدینے کی زندگی، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی، حضور کی رات کی زندگی، حضور کے دن کی زندگی، حضور کی صبح، حضور کی دوپہر، حضور کی شام، حضور کی خلوت، حضور کی جنت، حضور علیہ السلام کا بچپن،
हुजूर की जवानी, हुजूर का बुढ़ापा, हुजूर अलैहि सलाम के जिहाद का तरीका, हुजूर की तबलीग का तरीका, हुजूर अलैहि सलाम की इबादत का तरीका, हुजूर की नमाज, हुजूर का रोजा, हुजूर के हज का तरीका, हुजूर अलैहि सलाम पे कुरान पढ़ने का अंदाज, हुजूर अलैहि सलाम की तहज्जुद, हुजूर अलैहि सलाम पर उतरने वाला कुरान, हुजूर अलैहि सलाम के सहाबा, हुजूर के अहले बैत, हुजूर की बेटियां, हुजूर की बीवियां, हुजूर अलैहि सलाम की शरीयत, हुजूर अलैहि सलाम की उम्मत, हुजूर का मेराज, हुजूर के मौजज़े, हुजूर अलैहि सलाम की हदीस, हुजूर अलैहि सलाम की सुन्नत, हुजूर अलैहि सलाम की जिंदगी का हर लम्हा, हुजूर अलैहि सलाम का हर बोल, हुजूर का किरदार और गुफ्तार, और हुजूर अलैहि सलाम की नबुव्वत, हुजूर की रिसालत, अल्लाह आपको भी सबसे आला बनाए, मुझे भी सबसे आला बनाए। यह किला कोहना कासम बाग का ग्राउंड फुटबॉल के मैच देखता है, ये क्रिकेट के मैच देखता है, ये इसका प्लाट, इसके ये दीवारें, इसकी सीढ़ियां तमाशाई देखती है। आज ये भी नाश कर रहा है, मैं हुजूर के गुलामों को देख रहा हूँ, मैं हुजूर के दीवानों को देख रहा हूँ, मैं हुजूर के जानिसारों को देख रहा हूँ। अगर जबान मिल जाए इस प्लाट के घास को, अगर जबान मिल जाए इसकी सीढ़ियों की ईंटों को, अगर जबान मिल जाए इसके स्टेज को, अगर जबान मिल जाए इसकी फिदा को, तो हर एक कहेगा खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत ताजदार, खत्मे नबूवत ताजदार, खत्मे नबूवत ताजदार, खत्मे नबूवत ताजदार, खत्मे नबूवत आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत। इस ग्राउंड ने कई सदर देखे, कई वजीर आजम देखे, कई सिर्फ सियासी लीडर देखे, लेकिन आज ये अपनी किस्मत पर नाज कर रहा है, जबाने हाल से बता रहा है कि आज मैं हुजूर अली सलाम के गुलामों को देख रहा हूं, आज मैं दीन के बादशाहों को देख रहा हूं। क्या हुसन ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। आज ये भी कह रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। हुजूर किस शान रिसालत के साथ आए, रबीउल अव्वल में आने वाली हस्ती किस शान के साथ आई, आपने अभी सबसे आला कहा। इख्तिसार से कहता हूँ, मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे शेख हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुल आलिया इसका मतन बयान कर गए, मैं उस मतन का हाशिया भी नहीं, शरा होने का दावा तो कर ही नहीं सकता, मैं सिर्फ उसके शोशे की बात कर सकता हूँ कि उन्होंने फरमाया कि हुजूर से पहले जितने नबी आए वो कौमों के नबी बनकर आए। मैं इसी की वजाहत में अर्ज करता हूँ, मेरा पैगंबर आया तो इस शान रिसालत के साथ आया, इस अजमत के साथ आया, इस कमाल के साथ आया। मैं कहा करता हूँ हुजूर को हर कमाल अल्लाह ने कमाल दर्जे का अता किया, हर कमाल सारा मजमा कहे हुजूर को हर कमाल कमाल दर्जे का अता किया। कमाल में भी दराजात होते हैं, रिसालत कमाल है, हुजूर किस कमाल के साथ आए हैं। हुजूर से पहले जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए वो कौमों के नबी बनकर आए, वो अपने 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 इलाकों के नबी बनकर आए, लेकिन जब आमना का लाल आया, ताजदार मदीना आया, तो कुरान की जबान में ऐलान हुआ कि आप सिर्फ मक्के और मदीने वालों के नबी नहीं, आप सिर्फ हिजाज के नबी नहीं, आप सिर्फ सऊदी अरब के नबी नहीं, आप पूरी दुनिया के
इंसानों के नबी और पैगंबर बनकर आए। कुरान पढ़ो, हर पैगंबर अपनी कौम को खिताब करता है, या कौम कह रहा है, मगर कुरान की जबान में एक ही ऐसा नबी पैगंबर है जिसने अपनी कौम को खिताब नहीं किया बल्कि कहा ए इंसानों, आप कुरान की जबान में कहा या यूहन्नास इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम जमीआ। मेरे पैगंबर की पहली शान रिसालत ये है कि आमना का लाल आया तो सारी दुनिया के इंसानों का नबी और पैगंबर बनकर आया। हर नबी अपनी कौम का नबी है, हुजूर सारे इंसानों के नबी है। दूसरी शान, हुजूर से पहले जितने नबी आए वो अपने अपने जमानों के नबी बनकर आए। हुजूर आए तो अपने जमाने के ही नहीं, दुनिया में आने से पहले भी नबी, दुनिया में आने के बाद भी नबी, दुनिया से जाने के बाद भी नबी। मेरा पैगंबर सिर्फ हाल का नबी नहीं, माजी का भी नबी, हाल का भी नबी, मुस्तकबिल का भी नबी। वक्त नहीं कि मैं इसकी तफसील में जाऊं। दूसरी शान ये है कि आप सारे जमानों के नबी, और तीसरी शान ये है कि हुजूर से पहले जितने भी नबी आए, जितने भी पैगंबर आए, वो तमाम के तमाम अल्लाह की एक मखलूक इंसानों के नबी बनकर आए। मगर आमना का लाल आया तो सिर्फ इंसानों का नबी बनकर नहीं आया, ऐलान किया नबूवत वाली जबान से वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, कम मिस्दाक जबान से उर्सिलतु इलल खल्की काफा, मैं मोहम्मद सिर्फ इंसानों का नहीं, मैं तमाम मखलूकात का नबी और पैगंबर बनकर आया हूँ। मेरा रब सबका रब है और मैं मोहम्मद सबका मुस्तफा हूँ, वो रब्बुल आलमीन है, मैं रहमतुल आलमीन हूँ। सुभान अल्लाह कहो, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। तो याद रखो, हुजूर सारे इंसानों के नबी, हुजूर सारे जमानों के नबी, हुजूर सारी मखलूकात के नबी, हुजूर अलैहिस्सलाम इंसानों के नबी तो है ही, जिन्नात के भी नबी, इसलिए आपको नबी उस्सकलैन कहा जाता है। कुरान में सूरह जिन है, हुजूर जिन्नात को तबलीग भी किया करते थे। आप जिन्नात के भी नबी, आप फरिश्तों के भी नबी, आप हैवानात के भी नबी। वक्त नहीं के दराइल दो, हमारा नबी जमीन का भी नबी, आसमान का भी नबी, फर्श का भी नबी, अर्श का भी नबी, यहाँ का भी नबी, वहां का भी नबी। इसलिए हर एक का मेराज जमीन पर, हुजूर का मेराज आसमानों पर। क्यों? हिकमत एक ये है ताकि फरिश्ते भी ऐलान करें, उनको भी पता चले हमारा नबी आ रहा है। हर आसमान के फरिश्ते कहते हैं मरहबा मरहबा बिन नबी, ये सारे आइए आइए हमारे नबी। तो हमारा पैगंबर सारी मखलूकात का नबी। और चौथा एजाज ये है, हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले जितने नबी आए उनके बाद भी नबी आए, मगर जब हुजूर आए तो अल्लाह ने सर पर रिसालत का ताज भी रखा, खत्म नबूवत का ताज भी रखा। पहले जो आया उसके बाद आया, मगर हुजूर आए तो अब कोई नहीं आएगा। और खत्म नबूवत का माना तकमील नबूवत है, इसलिए ऐलान हुआ अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती वरज़ीतु लकुम अलइस्लाम दीना। तो दोस्तों, हमारा नबी मुकम्मल, हमारा कुरान मुकम्मल, हमारा दीन मुकम्मल, इसलिए हमें जो अल्लाह ने रिश्ता दिया ऐसा रिश्ता कि पैगंबर दुआ करें, तमन्ना करें, आरज़ू करें, अल्लाह आखिरी नबी का उम्मती बना देता, हमें नबी ना बनाता। आप और मैं खुश नसीब है, हुजूर का रिश्ता मिला। अब कादियानी क्या चाहता है, मिर्जाई क्या करता है, वो आपका मेरा रिश्ता हुजूर से तोड़ना चाहता है। हाथ बुलंद करके कह दो, जो रिश्ता अल्लाह ने हमारा हुजूर से जोड़ा है, दुनिया की कोई ताकत ना तोड़ सकती है ना कमजोर कर सकती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इस्लामाबाद को पैगाम है, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। इस खत्मे नबूवत पे कफेस मुत्तफे का फैसले को कमजोर करने की कोशिश मत करो, चोरियां मत करो, डाके मत डालो। और तुम्हारी नजर में वोट की चोरी बड़ी चोरी है, तुम्हारी नजर में इलेक्शन की चोरी बड़ी चोरी है, लेकिन आज पूरा मजमा मेरे साथ हाथ हिलाकर कहता है हमारे नजदीक खत्मे नबूवत वाले फैसले की चोरी सबसे बड़ी चोरी है।
सबसे बड़ी चोरी है। अगर वोट का चोर, इलेक्शन का चोर बर्दाश्त नहीं हो सकता, नहीं किया जाना चाहिए, तो याद रखो उसके लिए जरूर सड़कें होंगी, जलसे होंगे, धरने होंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता खत्मे नबुव्वत के फैसले की चोरी हुई तो फिर शहादतें होंगी। और इतनी बात याद रखो, हुजूर की इज्जत के लिए, नामूस के लिए, खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए जान देना भी हमारा ईमान है और जान लेना भी हमारा ईमान है। वाखिर दावा।